हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शकुंस किचन। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ हेल्थ से रिलेटेड कुछ किचन के टिप्स। आज हम कोई रेसिपी नहीं बनाएंगे बल्कि इन टिप्स को शेयर करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं शुरू करने जा रही हूँ मेथी दाना से। मेथी दाना से आप सभी परिचित हैं। ये देखिए, ये सूखा ड्राई मेथी दाना है और ये मेथी दाना स्प्राउट किया हुआ है। मेथी दाने के हेल्थ बेनिफिट्स हैं, ये ब्लड थिनर है, ये डायबिटीज के रोगियों को भी लेना चाहिए। इनको मैं ट्रीटमेंट के तौर पे नहीं सुजेस्ट कर रही, लेकिन ये डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल करने चाहिए। इनका पॉजिटिव इफेक्ट होता है हेल्थ पर, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते कि जब आपको डायबिटीज हो जाए और बीमारी बढ़ जाए और फिर आप सोचें कि मेथी दाना आपको ट्रीटमेंट के तौर पर हेल्प करेगा। नो, ये हेल्थ एडजुवेंट्स हैं, आपको डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल करने से आपकी सेहत को कंट्रोल में रखेंगे, ठीक रखेंगे। तो स्प्राउट किया हुआ मेथी दाना गर्मियों में 2 दिन में और सर्दियों में 3-4 दिन में इतना हो जाता है। तो आप इसको रोज खा सकते हैं, इसका पानी पी सकते हैं। एम्प्टी स्टमक यानी कि खाली पेट आप इसको ले सकते हैं और इसके बाद किसी भी दाल में, सब्जी में इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसका फायदा ये रहता है कि जब हम ये वाला मेथी दाना डालते हैं, ये थोड़ा सा डालने से ही इसमें कड़वाहट हो सकती है और कुछ बच्चे इसको ना पसंद करते हैं कि सब्जी में कड़वाहट है, लेकिन जब आप स्प्राउट किया हुआ मेथी दाना डालोगे तो उससे सब्जी में कड़वाहट बिल्कुल भी नहीं आती। अगर आप 1 चम्मच की जगह 2 चम्मच भी डालेंगे ना, तब भी किसी को बुरा नहीं लगेगा और ना ही बच्चे कंप्लेंट करेंगे कि सब्जी कड़वी है। तो इसी प्रकार से अपनी किचन में ये छोटा सा काम कीजिए, 2 चम्मच मेथी दाना स्प्राउट कीजिए, उसको इस्तेमाल कीजिए। अगर आपका ओवरग्रो हो जाता है यानी कि ज़्यादा पुराना हो जाता है तो इसको आप गमले में डाल सकते हैं, तो इससे आपका मेथी का पौधा उगाएगा। वो थोड़ी सी मेथी आप अपने डे टू डे लाइफ में अपनी सब्जी में इस्तेमाल कर सकती हैं। सो फ्रेंड्स, मुझे लग रहा है कि आपको ये टिप पसंद आएगी और आप अपने घर में ये छोटा सा प्रयोग जरूर करेंगे। तो दूसरी बात जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, कड़ी पत्ता या मीठी नीम घर घर में प्रचलित है, साउथ इंडिया में तो खास करके, लेकिन धीरे धीरे नॉर्थ इंडिया में भी इसका प्रचलन अब बहुत बढ़ गया है। तो इसके पेड़ को मीठी नीम का पेड़ या कड़ी पत्ते का पेड़ कहा जाता है और इसके भी हेल्थ बेनिफिट्स बहुत हैं। जो बात मैं आपको सजेस्ट करने जा रही हूँ वो ये है कि कड़ी पत्ते को आप हाफ ड्राई करके, यानी कि पत्ते बिल्कुल सूखे नहीं होने चाहिए, इनको सेमी ड्राई करके आप प्रिजर्व करके रख सकते हैं। तो ये सवाल उठता है कि हम इसको प्रिजर्व क्यों करें जबकि ये थ्रू आउट द ईयर अवेलेबल है। लेकिन डिफरेंस ये होता है कि गर्मियों में जो कड़ी पत्ता होता है वो बिल्कुल मुलायम नए पत्ते आते हैं, खाने में सॉफ्ट होते हैं, फ्रेश होते हैं, लेकिन जिस टाइम विंटर सेट इन होती है लाइक सेप्टेम्बर अक्टूबर में, तो उस टाइम तक ये पत्ते मोटे और सूखने शुरू हो जाते हैं। तो ये देखिए, ये पत्ते काफी पतले हैं, लेकिन अगर आप विंटर का कोई पत्ता देखेंगे तो वो पीला भी होगा और काफी मोटा भी होगा, उसमें फ्लेवर भी उतनी नहीं होती और उसकी क्वालिटी भी उतनी अच्छी नहीं होती। इसलिए विंटर सेट इन होने से पहले, क्योंकि वो पेड़ के पत्ते वैसे भी सारे झड़ने ही हैं, तो विंटर सेट इन होने से पहले आप वो पत्तों को तोड़ लीजिए। खाली पत्तों को नहीं तोड़िए तो डंडी समेत भी तोड़ सकते। ये ग्रीन लीव्स हैं, इनमें फॉलिक एसिड जो कि विटामिन बी कम्प्लेक्स का पार्ट है सफिशेंट अमाउंट में होता है। ये हमारे आईज के लिए, हमारे बालों के लिए, हमारे डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। इसको हम सब्जियों में, दालों में तड़के के रूप में डाल सकते हैं और अगर हम चाहें तो इनको और ज़्यादा ड्राई करके इनका पाउडर बना के रख सकते हैं। पाउडर को हम रायते में या अपनी मनपसंद डिश में, दाल में डाल के खा सकते हैं। तो ये रही सेकंड सजेशन और मुझे लगता है ये भी आपको बहुत पसंद आएगी। तो तीसरी टिप
जो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है कच्ची हल्दी के बारे में। हल्दी से तो हर भारतीय परिचित है, घर घर में इस्तेमाल किए जाने वाला मसाला है। ये फूड को कलर करने के लिए, दालों को, सब्जी को अट्रैक्टिव बनाने के लिए सूखी पीसी हुई हल्दी का इस्तेमाल होता है। तो ये जो कच्ची हल्दी है, जब पौधा अभी पत्ते हरे होते हैं और उनमें कलर बदलने लगता है तो उसके नीचे से ये गांठें तोड़ ली जाती हैं और इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसका जो कलर और गुणवत्ता है ये सूखी हल्दी से बहुत ज़्यादा होती है। तो इसके अंदर जो केमिकल कंपाउंड्स हैं वो करक्यूमिनाइड्स होते हैं, उनके करके ही हल्दी की प्रॉपर्टीज हैं। हल्दी एंटीसेप्टिक है, एंटीबायोटिक है, इसमें कॉर्टिकॉइड्स वाले गुण भी हैं। इस करके कभी भी जब चोट लग जाती है तो ये आम प्रचलन है कि जब भी चोट लगे तो हल्दी वाला दूध पिला दो। तो हम सूखी हल्दी वाला दूध भी दे सकते हैं, लेकिन कच्ची हल्दी वाला दूध उससे भी ज़्यादा फायदेमंद है। तो आपको कच्ची हल्दी कैसे मिले, उसके लिए मैं आपको ये सुजेशन दूंगी कि आप हल्दी की गांठें, सूखी हल्दी की गांठें लेके लगा दीजिए, या अगर आपके पास कच्ची हल्दी है तो इसी को ड्राई करके आप जहाँ रूट्स हैं इसको गमले में दबा दीजिए। हल्दी क्योंकि खुद ही एंटीसेप्टिक और एंटीबायोटिक है, इसके लिए आपको स्प्रे की, खाद की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो तकरीबन मार्च या अप्रैल के महीने में इसको लगा दिया जाता है और उसके बाद ज़रूरत अनुसार आप अपने घर में एक गांठ, दो गांठें, जितनी भी आपको चाहिए तो निकाल सकते हैं। और जब फरवरी मार्च के महीने में पत्ते सूख जाते हैं सर्दी के बाद, तो आप ऑलमोस्ट सारी या आधी पौनी हल्दी निकाल सकते हैं। इसका आपको ये फ़ायदा रहता है कि आपके घर में ही आपके पास ये छोटी सी सुविधा उपलब्ध है, जब आपको ज़रूरत पड़े आप ले लीजिए। और अगर आप ज़्यादा बल्क में उगा लेते हैं तो आप इससे आगे सूखी हल्दी भी बना सकते हैं। कहीं पर भी चोट लगे, सूखी हल्दी या कच्ची हल्दी को सरसों के तेल में मिलाकर उसका लेप लगाया जा सकता है। जैसे मैंने पहले कड़ी पत्ते का बताया था, आप अपनी सुविधा के लिए कड़ी पत्ते का पौधा भी गमले में लगा सकते हैं। उसके लिए आपको हमेशा थोड़े से पत्तों के लिए बाहर जाना नहीं पड़ेगा, स्ट्रीट वेंडर का राह नहीं देखना पड़ेगा, तो आपके घर में ही ये कन्वीनियंस उपलब्ध हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि आपको ये सब पसंद आया होगा। आई होप यू लाइक इट। डू गिव कमेंट्स, सब्सक्राइब करें एंड शेयर इट। थैंक यू।